इन एग्ज़ामिनेशन के लिए एन सी आर टी बुक्स हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं तो योर यू विल फाइंड द कम्प्लीट ब्लू प्रिंट ऑफ एन सी आर टी मैं पूरी पूरी एन सी आर टी लेकर नहीं कर सकती क्योंकि कॉपी राइट का इश्यू आ जाएगा इसीलिए मैं यहाँ पर आर बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ताकि मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आए एंड आपका कम्प्लीट का कम्प्लीट एन सी आर टी वर्जन मैं कम्प्लीट कराने की कोशिश करूँगी विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन और मेरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट क्लास ट्वेल्व तक के आपके एन सी आर टी इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स में कंप्लीट करा लूँ तो बहुत ईजीली यहाँ पर आप मार्क्स गेन कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स हैं एग्जैक्टली exactly आपको एन के फिगर्स मिलने वाले हैं डायग्राम्स मिलने वाले हैं एंड लाइन्स भी इवन मैंने फ्रेज uh, करी हुई हैं तो बिल्कुल अगर आप चाहें तो आप बुक अपने सामने खोल के मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं इधर अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये लेक्चर भी ऑनलाइन देख सकते हैं मैंने काफ़ी इमेजेस का यहाँ पे यूज़ करा है ताकि आपको अच्छे से चीज़ों समझ में आ जाएँ ठीक है तो एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे तो इसी तरह की क्लासेस और नोटिफिकेशंस के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स और उसके अलावा आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन कर सकते हैं अपार्ट फ्राम दैट देर आर वेरियस कोर्स गाइडेंस ऑल्सो और नोटिफिकेशन जो है रेगुलरली वो आपके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर रिलीज होगी साथ ही जो भी लेक्चर्स हैं उनके पी भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तो आप वहाँ पे जा सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं कंटेंट जैसे मैंने बोला कि आपका अवेलेबल होगा डब्ल्यू 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 डॉट गवर्नमेंट क्रैकर्स डॉट कॉम पे इसमें आपको प्रिसाइज लेक्चर्स मिलेंगे आप ये जो क्लास देखेंगे इसके बाद इसी तरह के लेक्चर्स और नोट्स आपको मिलेंगे और नोट्स बहुत ही क्रिस्प होंगे मंथली मैगजीन होगी करंट अफेयर्स होंगे एंड दिल बी पर्सनल गाइडेंस अपार्ट फ्रॉम दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं दैट इज़ स्ट्राटेजी टू क्लियर एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के पेपर्स एंड एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ स्टडी मटीरियल ये सब आप को इस पूरे पैकेज में मिलने वाला है ठीक है अब एक एक करके एनसीआरटी की चैप्टर की बात कर लेते हैं हैं क्लास में वापस आते हैं, तो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें बेसिकली अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं अगर आप पहला पेज देखते हैं तो पहले पेज में कुछ भी नहीं है एज सच बट जो मेन मेन चीजें हैं जो हाईलाइट की हुई हैं ब्लैक कलर से उनको आप देख सकते हैं तो यहाँ पे फुल मून की नाइट को हम कहते हैं पूर्णिमा ठीक है ये टर्म यूज़ हुआ है और न्यू मून की नाइट को वी कॉल इट अमावस्या ठीक है तो फुल मून इट इज़ नोन एज़ पूर्णिमा न्यू मून इज नोन एज़ अमावस्या अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई तो क्या होता है दिन में हमें ये सारी चीज़ें नहीं दिखती बिकॉज ऑफ द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन और इसीलिए सारी चीज़ें जो हैं हमें नाइट में विजिबल होती हैं ठीक है नेक्स्ट नाउ वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकोगनाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि दैट इज़ सेवन स्टार्स ठीक है अब कॉन्स्टलेशन क्या होता है इसके बारे में बात करती हूँ तो जो आपके एनसीआर टी में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहले हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो आपका सन हो गया मून हो गया ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एस्ट्रॉयड मेटियोर्स एक्सेट्रा विच शाइन एट नाइट आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज और ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपके ऑप्शनस रखे जाते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज में क्या आता है वेरी

नेक्स्ट दिस सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल स्टार्स एंड सन इज़ ऑल्सो अ स्टार तो जैसे मैंने बोला प्लानट्स स्टार्स सन मून एस्ट्रॉइड मेटियोर्स ये सब आपका सेलेस्टियल बॉडीज हैं ठीक है वेरियस पैटर्नस आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स तो बहुत सारे अलग अलग आप देखेंगे स्काइज में पैटर्न बनते हैं अगर आप उनको डॉट की तरह कनेक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड सम पैटर्न दिस पैटर्न जो आप कनेक्ट करते हैं स्टार्स को और एक जो पैटर्न आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन एंड वन ऑफ द वेरी फेमस कॉन्स्टलेशन इज़ योर सप्त जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है एग्जाम्पल जो आपके एन में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ एन को ध्यान में रखते हुए चल रही हूँ तो एन में इट इज़ योर अरसा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन एंड सप्तऋषि इज़ योर स्मॉल बियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सप्तऋषि के बारे में अगर मैं बताऊं तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स व्हिच फॉर्म द लार्ज अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन नेक्स्ट अब बात करते हैं एनसीईआरटी में आपने देखा होगा एक फिगर बना होगा जिसमें आपका सप्तऋषि की हेल्प से नॉर्थ स्टार को लोकेट किया गया है सो so जो नॉर्थ स्टार होता है ये आपका इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन में जिसे हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं ये जो पोल स्टार होता है इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टार वी कैन पोजिशन आउट द डायरेक्शन ऑल्सो सप्तऋषि की हेल्प से हम नॉर्थ स्टार को ढूंढ सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड द डायरेक्शन दैट दिस इज नॉर्थ एंड फर्दर वी कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन ऑल्सो नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जैसे आपको पता है जो सोल है दैट इज रोमन माइथोलॉजी इज़ सन गॉड एंड सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन इसीलिए जो उसका नाम दिया गया है इट इज़ सोलर सिस्टम ठीक है तो ये सोलर सिस्टम की बात है अब सोलर सिस्टम में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपके जुपिटर साट एन यूरानस हैं इनमें रिंग्स होती हैं प्लस दीज आर द बेल्ट ऑफ स्मॉल डेबरिस तो इनके बाहर भी एक डेबरिस की बेल्ट जो है वो प्रेजेंट होती है फिलहाल उसका नाम यहाँ एन में नहीं मैंशन किया जब फ्यदर मैंशन होगा तो मैं बताऊँगी क्योंकि यहाँ सिर्फ क्लास सिक्स का मैं कवर कर रही हूँ और कुछ भी फालतू कवर नहीं करना चाहती हूँ इसीलिए फिलहाल हम सिर्फ जो लिमिटेड पोर्शन और कंटेंट की बात करेंगे एनसीआर को मद्देनज़र रखते हुए ठीक है कमिंग टू सन सोलर सिस्टम में आपको पता है प्रेजेंटली अभी एट प्लानट्स हैं और एस्ट्रॉयड मेट्रॉइड्स दीज ऑल कॉमनली फॉर्म योर सेलेस्टियल बॉडीज तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सन की तो आप एन सी आर टी में डायग्राम भी देखेंगे अभी मैं आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिखा दूंगी सन जो है आपका वो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है विच इज़ मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज हीलियम एंड हाइड्रोजन बेसिकली एंड वन फिफ्टी किलोमीटर इट इज़ अवे फ्रॉम द अर्थ ठीक है नेक्स्ट इज योर प्लानट्स प्लानट्स पे एक एक करके बात करते हैं वीनस की सो वीनस इज कंसिडर्ड अर्थ ट्विन दे प्लानट्स की अपनी ओन लाइट एंड हीट नहीं होती है 2006 तक अकॉर्डिंग टू द एनसीआर टी टू तक प्लूटो भी एक प्लानट uh, कंसिडर किया गया था बट आफ्टर दैट इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनियन डिसाइडेड दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड एज ड्रॉफ प्लानट्स अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जुपिटर सैट एंड यूरानस इनमें मैंने बोला कि इनके किनारे जो है वो रिंग्स आपको प्रेजेंट मिलेंगी एंड एक स्मॉल डेब्रिस की बेल्ट भी इनके बाहर आपको देखने को मिलेगी जो प्लानट है आपका प्लानट एक ग्रीक वर्ड से लेगा तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है प्लानट ग्रीक वर्ड से लिया गया है दैट इज प्लानट है विच मीन्स वनड्रेस एंड अर्थ इज़ अ प्लानट इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन ये आपका सोलर सिस्टम का डायग्राम है अब इसमें आपको पहले देखिए जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के पहले के जो प्लैनेट्स हैं यानी आपका मकरी वीनस अर्थ मार्स ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए या इनको इनर प्लैनेट्स बोला जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट उसके बाद एक डिवीजन क्रिएट करती है उसके बाद आपके जो जुपीटर सैटन यूरानस इनमें नेपट्ट्यून ये आपके जोवियन प्लानट्स भी रहते हैं एंड आउटर प्लानट्स भी इन्हें कहा जाता है ठीक है प्लानट्स uh, में आपको जो है इनके सीक्वेंस को याद करना पड़ेगा इट माइट बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि हर प्लानट का अपना ऑर्बिट uh, में रोटेट करने के नंबर ऑफ डेज होते हैं तो एट टाइम्स इन फैक्ट्स दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो स्ट इन फॉर्म ऑफ असर्शन ठीक है तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऑर्बिट कितने नंबर ऑफ मून्स प्रेजेंट है तो यूजुअली जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं उसमें नो मून इज प्रट अपार्ट फ्रॉम जो आपके आउटर प्लान हो जाते हैं यानी जो जोवियन जो प्लान होते हैं जो आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद होते हैं उनमें आप देखेंगे नंबर ऑफ मून्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे ठीक है सो तो ये एक और फैक्ट है नेक्स्ट जैसे मैंने बताया वन टू थ्री फोर आपके इनर प्लान हैं दे आर वेरी क्लोज टू सन तो दे आर मेड अप

पर सेकेंड ठीक है जो एट मिनट्स लगता है टोटल ड्यूरेशन जो है लाइट पहुंचती तो एट टाइम्स आपको ये फैक्ट्स भी याद करने पड़ सकते हैं और जैसे मैंने बोला जियोलॉजी का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इसमें लास्ट वर्ड कौन सा लगा है सो हियर जियो में अगर लॉजी लगता है लॉजिया इट मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ इफ़ इट इज़ मेट्री देन इट इज़ मेट्रिया विच मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ एंड लास्ट इज ऑइड विच मीन्स रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ ठीक है जियोइड तो ये आपके जियो के पीछे जो टर्म लगते हैं और किस तरह से उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है वो यहाँ पे बताया गया जियो इज़ अ ग्रीक वर्ड बेसिकली ठीक है नेक्स्ट कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट थिंग अर्थ के बारे में बात करते हैं बाकी हमने वीनस uh, के बारे में इससे पहले बात की थी अब अर्थ के बारे में बात करते हैं अर्थ जो है आपका ये थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू सन है इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स तो इसीलिए ये जियोइड शेप होता है ठीक है एंड जिस अर्थ का टू थर्ड ऑफ द कंप्लीट पोर्शन इज कवर्ड विद वाटर दैट इज बाई इट इज नोन एज ब्लू प्लानट नेक्स्ट कमिंग टू मून मून के बारे में अगर मैं बात करूँ इट इज द ओनली सैटेलाइट विच इज फाउंड ऑन द अर्थ अगर इसका डाय मीटर है तो इट इज़ वन क्वार्टर ऑफ द अर्थ तो ये क्वेश्चन भी एज अ फैक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है दैट मून का इज इट हाफ ऑफ द अर्थ और इट इज़ वन फोर्थ ऑफ द अर्थ तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अब अराउंड थ्री लाख एटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर अवे फ्रॉम आस एंड इट मूव्स अवे अराउंड इन एन ऑर्बिट इन अराउंड ट्वेंटी सेवन डेज और अर्थ के किनारे भी इसको उतना ही टाइम लगता है यानी इसका रेवोल्यूशन एंड रिवॉल्व करने का जो टाइम इट्स ओन ऑर्बिट इट इज ऑलमोस्ट सेम दैट इज वाई वी ओनली स्कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून सो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होता है ठीक है ना मून हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर It has mountains, plains, and depressions on its surface, which shadows on the moon's surface. And the first person to step on the surface of the moon was Neil Armstrong, 21st July 1969. ठीक है इसी में बात कर लेते हैं सैटेलाइट्स की ठीक है ये मून आपका नेचुरल सैटेलाइट हो गई इसी तरह सैटेलाइट होता क्या सैटेलाइट बेसिकली कोई भी बॉडी होता है जो आपका रिवॉल्व करता है प्लैनेट्स के अराउंड एन एन प्रॉपर इलेप्टिकल ऑबिट तो ये मून आपका नेचुरल सैटेलाइट हो गया उसी तरह आपके ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी होते हैं जो आर्टिफिशियल बॉडीज़ होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं साइंटिस्ट वेरियस इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अबाउट द यूनिवर्स या फिर कम्युनिकेशन पर्पज़ करने के लिए ठीक है सो सम इंडियन सेटेलाइट्स आपके इनसेट हो गए आई आर एस हो गया एडूसैट हो, हो गया तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके नेक्स्ट एस्ट्रॉयड्स की बात करते हैं अगर एस्ट्रॉइड्स में अगर आपने एन सी आर टी खोली तो आपको पता है मैं बहुत सिक्वेंस चल रही हूँ और अगर आपने एन सी आर टी नहीं भी खोली तो आप इनको एज अ नोट के फॉर्म में आप सिर्फ मुझे सुन सकते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी एस्ट्रॉयड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे टाइनी बॉडीज़ हैं दे मूव अराउंड द सन दे फाउंड बिटवीन आपने डायग्राम देखा होगा मास एंड जुपीटर के बीच में एक पूरी की पूरी बेल्ट थी दैट इज योर एस्ट्रॉयड बेल्ट एंड साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड्स आर पार्ट ऑफ प्लानट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक तो साइंटिस्ट ने बेसिकली ये ऑब्जर्व ये थ्योरी बनाई है दट दिज एस्ट्रॉयड बेल्ट कैसे फॉर्म हुई है एस्ट्रॉयड बेल्ट तो जो आपके एक्सप्लोजन हुए थे पहले यूनिवर्स में उसका जो डेब्रिस मटीरियल है उस वो उसकी वजह से ये जो है आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट बना हुआ है कमिंग टू मेट्रॉइड्स तो एस्ट्रॉयड और मेटीर्स मेटीरोयड्स इनमें डिफ्रेंस पूछा जाता था

विदउट कंप्लीटली बोर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ करैटर एक एरिया क्रिएट हो जाता है तो इसके एग्जाम्पल आपके लोनार लेक होंगे अभी मुंबई में उसमें दिखा था सो so, इंडिया में वो एक एग्जाम्पल है जो क्रैटर क्रिएट हुआ था कमिंग टू मिल्की वे अब क्या होता है गैलेक्सीज होती हैं गैलेक्सी क्या होती हैं गैलेक्सी होता है एक आपका हीज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं क्लाउड्स होता है डस्ट होता है ये सारी चीज़ें मिलकर एक गैलेक्सी क्रिएट करती हैं और यूनिवर्स में हमारे द्वारा मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज वि which makes the universe our solar system is also a part of galaxy and in ancient india इट वॉज़ इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द सन तो जो पहले लोग माइथोलॉजिकल लोगों का ये मानना था क्योंकि उसका जो क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल नॉलेज तो था नहीं ना सेटेलाइट्स से हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए तो माइथोलॉजिकली डिपेंडिंग अपॉन द अपेयरेंस डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज दैट दे पोतेन तो उनके अकॉर्डिंग क्योंकि ब्लू कलर का था तो दे गेव दट दैट अ रिवर ऑफ लाइट वॉज देयर इन द स्काई थाज द नेम डिज़ आकाश गंगा अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है वो आप कमेंट करके बताएं इससे आपका रिविज़न भी हो जाएगा कमिंग टू चैप्टर टू ठीक है यहाँ पे आपका चैप्टर वन खत्म हो जाता है अब आ जाते हैं चैप्टर टू के बारे में चैप्टर टू आपका है बेसिकली बहुत ही इंट्रोडक्टरी चैप्टर अबाउट योर ग्लोब्स एंड लैटिट्यूड्स बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए तो अगर किसी के बेसिक स्ट्रॉग नहीं है तो दे कैन रीड इट हेयर नाउ इसमें जो फर्स्ट पेज आपको देखेगा फर्स्ट पेज में अगेन ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ सबसे पहले अर्थ एक एक्सफियर नहीं है ठीक है अर्थ स्लाइटली फ्लैटेंड है फ्रॉम द पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल बल्जेज हैं उसमें ठीक है तो ग्लोब जो है दैट इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ और जो हमारे अर्थ का शेप है अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है सर्कल स्फीयर जियोइड तो हमेशा आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए जियोइड अगर जियोइड प्रेजेंट नहीं है तो उसके बाद आप लिखेंगे स्फीयर इज द सेकेंड राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट कमिंग टू सर्कल में आप देखेंगे इक्वेटर आपने सुना होगा ना इक्वेटर क्या होता है एक इमेजिनरी लाइन है जो एक सर्कल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है मैथमेटिकल टर्म्स में मैं बोलूं दैट इज़ नोन एज डाया बट यहाँ इस फॉर्म में अगर मैं बोलूं जोग्राफी के टर्म्स में सो इट इज नोन एज इक्वेटर ठीक है दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ क्योंकि हमें पता है कि इक्वेटर जो है अर्थ को 180 एटी डिग्री इक्वल हाफ्स में दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है नाउ लैटिट्यूड्स जो आपका इक्वेटर uh, है दैट इज अ पैरल डिवीजन यानी हॉरिजोंटल डिविजन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है नाउ उस अर्थ के इक्वेटर के पैरल जो भी आपको लाइंस ऊपर जाते हुए दिखेंगी टिल पोल्स दैट आर नोन एज पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड और इक्वेटर आपका जीरो डिग्री रिप्रेजेंट करता है ये आपके एनसीआरटी में लिखा होगा और साथ में आपको फिगर भी दिख रहा होगा तो डायमीटर के ऊपर जितने आप पैरल ऊपर जाएंगे जिसे हम कॉर्ड्स कहते हैं मैथमेटिक्स टर्म में अगर मैं बोलूंगी तो डायमीटर के पैरल आप जितनी भी लाइन सर्कल के ऊपर 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 बनाते जाएंगे दैट आर बेसिकली नोन एज पार्ल्स ऑफ लैटीट्यूड्स सो नाइन्टी डिग्री आपका नॉर्थ लैटीट्यूड ये आपका नॉर्थ पोल मार्क करता है एंड नाइन्टी डिग्री साउथ लैटीट्यूड आपका साउथ पोल को मार्क करता है ऑल द पैरल्स जितने भी पैरल नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्थ लैटीट्यूड्स एंड सिमिलर मैनर जितने भी लैटीट्यूड्स आपके साउथ की तरफ जाते हैं वी कॉल दैम साउथ लैटीट्यूड्स ठीक है नेक्स्ट एज वी मूव अप जैसे आप देखेंगे सर्कल है तो डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो सर्कल को सेपरेट करता है उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको डिस्टेंस कम होता दिखेगा सो एज़ वी मूव above द इक्वेटर जो साइज होता है इन पार्लल्स का इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ठीक है तो लैटिट्यूड आपके डिक्रीज हो रहे होते हैं नेक्स्ट ये देखिए ये आपका सर्कल है अब इसके अलावा बिसाइड इक्वेटर नॉर्थ पोल 90 डिग्री के देयर आर अदर डिफरेंट इंपॉर्टेंट जोन्स आल्सो व्हिच आर प्रेजेंट ये आपका एग्जैक्टली एनसीआर टी का डायग्राम है इसमें क्या है जो नॉर्थ एंड साउथ पोल मैंने बता दिया 90 डिग्री नॉर्थ हो गया साउथ पोल नाइन्टी डिग्री साउथ हो गया इक्वेटर आपका जीरो डिग्री हो गया अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर फोर मेन इंपॉर्टेंट पार्लर्स वो कौन कौन से होते हैं वो आप ये डायग्राम में देखते रहे हैं. सबसे पहले आपका इक्वेटर के ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर

जोन तो दिख रहे हैं यू कैन फ्रेम योर ओन डेफिनेशन बट फिर भी मैं आपको आपको बता देती हूँ सबसे पहले टॉरेट जोन की बात करते हैं तो टॉरेट जोन आपने यहाँ पे देखा कि इक्वेटर बीच में इनको डिवाइड कर रहा है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन के बीच में आपको टॉरेट जोन दिख रहा है और बीच में है आपका इक्वेटर सो टॉरेट जोन की बात करें तो बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर क्योंकि होता है क्योंकि क्या होता है सन की जो रेज होते हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इस पर्टिकुलर एरिया में बेसिकली ठीक है तो एग्जैक्टली सन ओवरहेड होता है तो सारी मैक्सिमम रेज क्योंकि आप देखेंगे एरिया भी ब्रॉड है तो मैक्सिमम रेज उसमें फॉल करती हैं इसी वजह से इस एरिया में आपको ज़्यादा हीट और ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा कमिंग टू टेम्परेट जोन टेम्परेट जोन में क्या होगा जिसे हम मॉडरेट जोन भी कह सकते हैं सन शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसीलिए जो सन का एंगल होगा आप देखेंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजोंटल ना हो थोड़ा सा इंक्लाइन रहेगा जिसकी वजह से बिल्कुल स्ट्रेट रेज नहीं आएंगी और क्योंकि टिल्टेड फॉर्म में आएंगी तो उतनी ज़्यादा हीट यहाँ पे नहीं होगी और इस वजह से उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा ट्राइंग फॉर फ्रीजिड जोन एरियाज जो आपके आर्टिक सर्कल के आगे और इधर एंटार्टिक सर्कल के आगे जो नॉर्थ एंड साउथ पोल के टूवर्ड्स होते हैं दैट आर नोन एज योर फ्रीजड जोन एंड इसमें सन जो है दैट डज नॉट शाइन मच बिकॉज इट डज नॉट गोज अबव हॉरेजोन इसीलिए लाइन्स जो है सन की रेज यहाँ पे मैक्सिम टाइम में पड़ती ही नहीं है दैट इज़ वाई इसका नाम ही है फ्रीजड जोन ऑलमोस्ट फ्रीज यानी आइस होता है नेक्स्ट अब बात करते हैं लैटिट्यूड्स की हमने बात कर ली अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं अब एक लाइन ऑफ रेफरेंस जैसे हमने इक्वेटर की बात करी तो एक लाइन ऑफ रेफरेंस उसी तरह एक इमेजिनरी लाइन आप वर्टिकल लाइन जो है इमेजिन कर लीजिए जो आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रन कर रही है ठीक है विच एक्चुअली गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन तो डिस्टेंस जो मेजर होता है आपका वो डिग्रीज में मेजर होता है और हर डिग्री जो है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स अब जैसे जैसे सेमी सर्कल आप देखेंगे अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाते रही हूँ सेमी सर्कल का आप देखेंगे कि जैसे वो पोल की तरफ जाता है तो पोल की तरफ उसके डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होते रहते हैं आन एक टाइम आता है दैट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे जो है लॉन्गिट्यूड्स आपके मीट करते हैं एंड दे बिकम जीरो तो ऑल मेडिटेरियन ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट लैटिट्यूड्स नहीं यानी सारे लॉन्गिट्यूड्स इक्वल लेंथ के होते हैं बट लैटिट्यूड्स इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं ठीक है अब प्राइम मेरिडियन क्या होता है प्राइम मेरिडियन होता है काउंट बिगिनस फ्रॉम दिस मेरेडियन विच पासिस थ्रू ग्रीन विच वेयर रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड जो आपका जीरो डिग्री माना गया है प्राइम मेरेडियन आपका वन एटी डिग्री मेरेडियन है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है हाउ एवर इंटरेस्टिंग टू नो दैट वन एटी डिग्री ईस्ट एंड वन एटी डिग्री वेस्ट मेरेडियंस आर ऑन द सेम लाइन तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपका प्राइम मेरेडियन जो है वो सेम लाइन पर फॉलोआउट करता है प्रीवियस प्रीवियसर्स में पूछा भी गया है ठीक है ये आपका देखिए यहाँ से आप लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं तो देखिए यहाँ पे सेमी सर्कल में ऊपर जाके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद पॉइंट सा बन गया है यानी जीरो यानी लॉन्गिट्यूड्स की आपकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है जैसे ही हम पोल्स की त्वर बढ़ते हैं और जब हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो डिस्टेंस आपका इंक्रीज होता है नाउ बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ मून एंड प्लानट सो इनकी हेल्प से भी एंशंट टाइम में आपका टाइम किस तरह से निकाला जाता था वो पता था तो आपको पता है कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग अपने टाइम पे होते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट द टाइम विद द हेल्प ऑफ प्लान सन जो शेडो कास्ट होती है उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं सो so, जो प्राइम मेरेडियन ऑफ ग्रीन विच हैज सन एट द हाइस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑल द प्लेस अलॉन्ग दिस मीडियन विल हैव मिड डे और नून और क्योंकि हमें पता है अर्थ के बारे में अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीन विच विल बी अहेड ऑफ ग्रीन विच टाइम एंड प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीन विच विल बी बिहाइंड ऑफ ग्रीन विच टाइम तो अब आप देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज हमसे आगे रहेंगी कौन कौन सी कंट्रीज हमसे पीछे रहेंगी नाउ इंडिया इज अहेड अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इंडिया क्या अहेड अ ग्रीन विच टाइम से या बिहाइंड अ ग्रीन विच टाइम से ठीक है ये आपका एक क्वेश्चन हो गया नाउ अर्थ रोटेट करता है जैसे मैंने बोला कि हर लॉन्गिट्यूड का फर्दर डिजन होगा इन टू मिनट्स एंड सेकेंड्स में तो अर्थ रोटेट करता है थ्री सिक्सटी डिग्री इन ट्वेंटी फोर आवर्स दैट इज फिफ्टीन डिग्री पर आवर रोटेट करता है और वन डिग्री इन फोर मिनट्स ठीक है ये आपका एग्जैक्टली exactly डायग्राम है जो आपका एनसीआरटी में फ्रेम आउट किया गया है यहां पे देखिए बीच में एक सेंटर में लाइन आ रही है दैट इज योर ग्रीन विच लाइन तो ऑल द कंट्रीज विच आर ईस्ट विल बी अहेड एंड वेस्ट विल बी बिहाइंड ठीक है नेक्स्ट अब हर कंट्री की डिपेंडिंग अपॉन इट एरिया एंड साइज उसके अपने टाइम जोन होंगे एंड इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज एटी पॉइंट थ्री जीरो ईस्ट इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरेडियन जो कि आपका इलाहाबाद से पास होता है नैनी एक जगह है वहाँ से आपका प्राइम मेरेडियन जो है वो पास होता है ठीक है ये पूरी कंट्री के लिए लोकल टाइम दिया गया इट इज इसीलिए इसको कहा गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम India is located east of Greenwich, that is 82.30 east. It's we are ahead, 5 hours and 30 minutes ahead of Greenwich mean time. This is har country, ke depending upon area, they can have more than one time zone. So Russia ke we have standard times and USA ke 7, Canada ke 6. Theke? Now Earth has been divided into 24 time zones. ऑफ़ वन आर ईच एंड ईच जोन का वर्ज फिफ्टीन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड साथ ही आपको अर्थ का एक्सटेंट भी फाइंड आउट करना है जैसे अर्थ इंडिया जो है वो कितना एक्सटेंट में लॉन्गिट्यूडनल एरिया में है तो ये भी आप याद कर सकते हैं एट टाइम्स ये भी पूछ लिया जाता है सो सिक्सटी एट डिग्री ईस्ट यहाँ पर एंड नाइन्टी सेवन डिग्री ईस्ट ठीक है नेक्स्ट तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है एंड अब हम आते हैं चैप्टर थ्री पे दैट इज मोशंस ऑफ द अर्थ अगर आपको ये आ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस पर लाइक कर सकते हैं वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप साथ ही कमेंट कर सकते हैं कि क्या ये आपको हेल्पफुल है और इसी तरह हम सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है आते हैं चैप्टर थ्री पे दैट इज मोशंस ऑफ द अर्थ अब मोशंस ऑफ द अर्थ में आपका इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग जो बताया गया है फर्स्ट पेज में अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे तो फर्स्ट पेज में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है फर्स्ट पेज में आपका रोटेशन के बारे में बताया हुआ है रोटेशन होता है आपका मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस और रेवोल्यूशन होता है आपका जब सन के किनारे किनारे एक फिक्स्ड पाथ में ऑर्बिट करता है उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन ठीक है जो आपका एक्सिस होता है वो एक इमेजिनरी लाइन है विच इज़ एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है आपका जो ऑर्बिट होती है जो ऑर्बिट का जो प्लेन होता है दैट इज़ नोन एज ऑर्बिटल प्लेन तो ये कुछ फर्स्ट आपके इम्पॉर्टेंट टर्म्स हो गए जो एन में आपके फर्स्ट पेज में दिए हैं इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है जो आपका पूरा अर्थ uh, को इक्वल डेज एंड नाइट्स में डिवाइड करता है यानी डे एंड नाइट को जो ग्लोब में डिवाइड करता है दैट इज नोन एज सर्कल ऑफ़ इल्यूमिनेशन ठीक है अब रोटेशन की बात uh, बात करते हैं सो so, जो पीरियड ऑफ रोटेशन है दैट इज नोन एज जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है दैट इज नोन एज अर्थ डे सर्कल ऑफ़ इल्यूमिनेशन मैंने बता दिया विच डिवाइड्स डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब रेवोल्यूशन की बात करें तो अर्थ का एक फिक्स्ड मूवमेंट अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथवे सो अर्थ के लिए इट टेक्स अराउंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज एंड सिक्स आवर्स वन ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन इट इज़ क्लियर दैट अर्थ इज गोइंग इन एन एलेप्टल ऑर्बिट थ्रू आउट दिस ऑर्बिट अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन सो सीजन में चेंजेस होते हैं ड्यू टू द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन नॉ अगेन क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट सीजन में चेंजेस होते हैं ड्यू टू रेवोल्यूशन और आपके डे ऑन नाइट में चेंजेस होते हैं ड्यू टू रोटेशन ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब आप एन में ये बिल्कुल एन का फिगर है ठीक है एन में ये टर्म दिए हुए हैं अब आपका आ गया समर सोल विंटर सोल और आपके इक्विनॉक्सिस अब इक्विनॉक्स जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है इक्वीनॉक्सिस आर जब आपके डे एंड नाइट इक्वल होते हैं ऐसे दो डेज होते हैं पूरे ईयर में जब आपके डे एंड नाइट्स इक्वल होते हैं दीज आर ट्वेंटी मार्च एंड ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर डेज प्लीज याद कर लीजिएगा एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है कमिंग टू आपका समर सोल्स्टेज एंड विंटर सोल्स्टेज सो यहाँ पे द रेज ऑफ सन बेसिकली डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑन कैंसर एंड द एरिया नियर पोल रिसीव लेस हीट एज रेज ऑफ सन आर स्लांटिंग नॉर्थ प्लोल इज इंक्लाइन टूवर्ड सन तो समर सोल्स्टीज में समर इन द नदरन एमोसफेयर विच इज़ ट्वेंटी फर्स्ट जून तो यहाँ पे आपकी डे जो है लॉन्गेस्ट होंगी नाइट आपकी शॉर्टेस्ट होंगी कमिंग टू विंटर सोल्स्टीज विंटर सोल्स्टीज आपका होता है ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर केस आपका वाइस वर्षा हो जाता है ठीक है तो ये आपने याद रख लिया समर सोलस्टेज विंटर सोलस्टिस और इक्विनॉक्सिस तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है इसके अलावा आपका चैप्टर थर्ड में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अब बात करते हैं मैप्स की जो नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है चैप्टर फोर मैप्स के मैप्स के बारे में बात करते हूँ मैप होता क्या है तो कभी भी आप जब कोई एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हो थ्रू ड्रॉइंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ दैट इज़ नोन एज मैप अकॉर्डिंग टू स्केल जब आप ड्रॉ करते हो ठीक है मैप जो है वी पुट टूगेदर मेनी मैप्स टू मेक अ कम्प्लीट एटलीस्ट एंड मैप्स जो हैं ये आपकी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं एज कम्पेयर टू ग्लोब कैसे वो भी हम आगे देखेंगे तो फिलहाल अभी मैं क्लास सिक्स के लेवल तक स्टिक रहूंगी ठीक है जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा तो आप देखेंगे आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन भी बढ़ेगी अब देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स जो आपके क्लास सिक्स के एन ट एनसीआर टी में दिया हुआ है सो इट इज़ योर फिजिकल मैप जिसे हम रिलीफ मैप भी बोलते हैं पॉलिटिकल मैप थिमाटिक मैप और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्केच और प्लान ठीक है फिजिकल मैप की बात करते हैं फिजिकल मैप क्या होता है मैप विच शोज़ योर नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ सच एज माउंटेंस प्लाटोज प्लेन्स रिवर्स ओशन इनको हम बोलते हैं फिजिकल मैप्स ठीक है maps, या रिलीफ मैप्स पॉलिटिकल मैप्स होते हैं जो आपके बाउंड्रीज़ को दिखाते हैं ऑफ सिटीज टाउन्स विलेज डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक है cities, towns, village, world, या इंडियन स्टेट्स जो आपके दिखाते हैं तो जो इस तरह के मैप्स होते हैं आपके डॉटेड डॉटेड आपने देखे होंगे यूजुअली वो आपके पॉलिटिकल मैप होते हैं थेमाटिक मैप होता है ये मैप आपके स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं जैसे किसी एरिया का रोड मैप देख लिया आपने रेनफॉल पैटर्न देख लिया मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज या कोई और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर आप एक्वायर करना चाह रहे हैं तो इट डिपेंडिंग अपॉन थीम ये, ये इसीलिए नाम इनका दिया गया है थेमाटिक मैप तो तीन टाइप के मैप हो गए फिजिकल मैप पॉलिटिकल मैप एंड थेमाटिक मैप इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट टर्म आपका एनसीआर में यूज़ किया गया है दैट इज स्केच एंड प्लान स्केच क्या होता है देखिए जब आप कोई भी मेन ली ड्राइंग बनाते हैं स्केच कैसे होता है यूजुअली हम किसी भी चीज को याद करके वी मेक अ रैंडम ड्राइंग तो उसको डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जर्वेशन जो हम स्केच क्रिएट करते हैं जो हम ड्राइंग बनाते हैं दैट इज नोन एज स्केच और इसमें हम कोई स्केल नहीं लेते मेजरमेंट के लिए बस एक रफ ड्राइंग होती है और वहीं प्लान क्या होता है प्लान होता है जब आप एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग बनाते हैं ओवर अ लार्ज स्केल और लार्ज मैप जो है दैट गिव्स यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देर सर्टेन थिंग्स विच एट टाइम्स आर नॉट प्रेजेंट ठीक है तो प्लान आपका बेसिकली एक स्मॉल एरिया के इंफॉर्मेशन और ड्राइंग आपके लार्ज स्केल पे हो गया ठीक है अब एम मैप के आपके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं तो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए आपका फर्स्ट हो गया डिस्टेंस दूसरा डायरेक्शन और तीसरा सिंबल अब इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है एन में बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स उठाए हैं ठीक है अगर आपने एन सामने रखी है तो आप पढ़ सकते हैं नहीं रखी है तो आप खाली सुन सकते हैं बिल्कुल एन आप कहेंगे बिल्कुल ब्रू ब्लू प्रिंट है ये एन uh, का सो स्केल बेसिकली क्या होता है रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस हाउ इट इज शोन ऑन द मैप तो स्केल की डेफिनेशन आएगी तो आप ये मेंशन करेंगे नाउ व्हेन अ लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज स्मॉल स्केल मैप क्यों यूज करते हैं क्योंकि अगर हम लार्ज स्केल मैप यूज करेंगे अगर हम ज्यादा ज्यादा एरिया दिखाएंगे तो हमारा जो शीट ऑफ पेपर है ठीक है वो कवर हो जाएगा तो हम सारे एरियाज तो दिखाई नहीं पाएंगे इसीलिए हम वहां पर छोटे छोटे स्केल दिखाते हैं जब हमें किसी बहुत बड़े एरिया को, तो को दिखाना होता है तो दैट इज योर स्मॉल स्केल मैप एंड जब हमें स्मॉल एरिया को दिखाना होता है लाइक like पर्टिकुलर किसी एक स्टेट को दिखा दे तो हम उसको जूम करके दिखा सकते हैं ताकि हम हर एक लोकेशन के बारे में अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें तो दैट इज़ नोन एज योर लार्ज स्केल मैप ना लार्ज स्केल मैप यूजुअली ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल मैप जैसे आप सैटेलाइट्स में देखते होंगे ना जूम करके गूगल मैप देखते हो तो दैट इज व्हाट दैट इज योर लार्ज स्केल मैप लेकिन अगर आप उसको कंप्लीटली छोटा कर देंगे तो वो आपका स्मॉल स्केल मैप बन जाएगा लेकिन आप देखेंगे जब आप वन वंस यू आर ड्राइविंग कहीं जा रहे हैं तो उस एरिया में आपको लार्ज स्केल मैप ही काम आता है बिकॉज वो आपको पर्टिकुलर रूट्स एंड डायरेक्शन दिखाता है लेकिन अगर वही आपको कंट्री दिखा देगा इंडिया में और आप पर्टिकुलर सिटी दिखा देगा देन इट वुड भी डिफिकल्ट तो वो आपका लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैप हो गया तो लार्ज स्केल मैप आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा कंपेरेटिवली है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कोई भी मैप अगर आप देखेंगे तो उसमें नॉर्थ एन करके हमेशा मैप के ऊपर लिखा होगा विथ स्टेट्स दैट अपर मोस्ट इज दर्ड डायरेक्शन ठीक है और उसकी हेल्प से नॉर्थ की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन ऑल्सो ईस्ट वेस्ट एंड साउथ अदर फोर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आउट ऑफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आर इनके बीच में जो डायरेक्शंस फ्रेज आउट होते हैं वो आपका होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट तो ये आपके कार्डिनल डायरेक्शंस हो गए नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है एन में और ये फिगर बेसिकली एन में आपको दिख रही होगी दैट इज़ अबाउट सिम्बल्स ठीक है अब ये सिंबल्स मैप में आपके प्रेजेंट होंगे अलग अलग फॉर्म में जैसे यहाँ पे देखिए रेलवे लाइन के लिए ब्रॉड गॉज मेटर गॉज एंड रेलवे स्टेशन अलग अलग सिंबल्स यूज हैं उसी तरह रोड के लिए मेटल रोड के लिए स्ट्रेट लाइंस एंड मेटल के लिए डॉटेड लाइंस बाउंड्री के लिए देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री स्टेट बाउंड्री एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री रिवर्स के लिए अलग टेम्पल्स चर्चेस मॉस्क छत्री के लिए अलग पोस्ट ऑफिस के लिए अलग सेटलमेंट्स के लिए अलग ग्रेवय्स के लिए अलग ट्रीज एंड ग्रासेस के लिए अलग तो ये वेरियस सिम्बल्स होते हैं कुछ कन्वेंशनल सिम्बल्स होते हैं ठीक है ये यूनिवर्सल होते हैं यानी हर जगह इनकी रीडिंग सेम ही रहेगी आप इस मैप को इंडिया में पढ़िए आप इस मैप को बाहर जाके पढ़िए इन सिम्बल्स का मीनिंग सेम होगा तो कन्वेंशनल सिम्बल्स यूनिवर्सल लैंग्वेज है एक ही चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है तो ये सिंबल्स काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को और स्पेसेस बचाते हैं इन्फॉर्मेशन में लाइक हमें बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ता कि ये टेंपल यहाँ पे है अगर हमने ये डायग्राम बना दिया तो समझ में आएगा अच्छा इस एरिया में एक टेंपल है तो तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हमने मैप के डिस्कस किए हैं ठीक है थेके? वो क्या क्या तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं डायरेक्शन हो गया आपका सिम्बल्स हो गए एंड कार्डिनल पॉइंट डिस्टेंस हो गया ठीक है जो हमने लार्ज स्केल स्मॉल स्केल किया नेक्स्ट तो ये आपका जो है चैप्टर फोर मैप्स खत्म होता है इसके अलावा आपके एन में कुछ और प्रेजेंट नहीं है तो कुछ और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कमिंग टू चैप्टर फाइव जो आपका एन सी आर टी दैट इज़ अबाउट मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ नाउ इसमें आपका क्या है जो सॉलिड पोर्शन होता है का जहाँ पे हम रहते हैं जो लैंड वाला पोर्शन होता है दैट इज नोन एज लिथोसफियर लिथोस मीन्स लैंड और स्टोन ठीक है जो गैसियस लेयर्स होती है यानी जो एयर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज एटमॉस्फियर जो वाटर होता है दैट इज नोन एज हाइड्रॉस्फियर और जो एक जोन होता है जहाँ पे लैंड वाटर और आपका एयर तीनों प्रेजेंट होती है एंड इट गिव राइज टू लाइफ दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर ठीक है तो आप नाम से आप आइडेंटिफाई करें लिथोस मींस लैंड एटमोसफीस मींस एयर हाइड्रो मींस आपका वाटर एंड बायोस्फीयर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर लैंड वाटर एंड एयर ऐसे याद कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर अब बात करते हैं आपका लिथोस्फेयर के बारे में सो so, लिथोस्फेयर आपका जैसे मैंने बोला लैंड है तो लैंड वॉट कम्प्राइज ऑफ वॉट अर्थ का क्रस्ट रॉक एंड बहुत ही थिन लेयर ऑफ सॉइल विच कंटेन्स न्यूट्रिय एलिमेंट्स ताकि इसमें ऑर्गेनिजम्स और जो प्लांट्स हैं आपके ये सर्वाइव कर सकें सो बेसिकली आपका जो अर्थ का क्रस्ट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक आपका कॉन्टिनेंट्स में दूसरा आपका ओशंस में जो लार्ज लैंड मासेस हैं ये आपके कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं बाकी जो ब्लू कलर का एरिया है वो आपका ओशन बेसन्स एंड वाटर बॉडीज हैं ऑल द ओशंस इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन एनदर ठीक है एंड द लेवल ऑफ सी वाटर एवरीवेयर रिमेन्स सेम जो एलिवेशन ऑफ लैंड है इट इज़ मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू सी जो हाइएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज़ योर माउंट एवरेस्ट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट एट फोर एट किलोमीटर्स फ्राम द सी लेवल एंड द ग्रेटेस्ट डेप्थ दैट इज मरियाना ट्रेंच जो कि आपका पैसिफिक ओशन में है दैट इज़ अराउंड एलेवन थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू मीटर्स रिकॉर्डेड तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेज होता है आपका डीपेस्ट पॉइंट इज लोकेटेड वेयर वन वर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है ठीक है नेक्स्ट तो ये देखिए जो बड़े बड़े लैंड मार्सेज हो गए आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका एशिया यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये आपके हो गए लैंड मार्सेज यानि कॉन्टिनेंट्स और जो ब्लू एरिया हो गया जैसे पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन सदरन ओशन आर्टिक ओशन ये आपके हो गए ओशन बेसेंस नाउ ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड मासेज यूजअली आपके नदर्न हेमिसफेयर में हैं और सदर्न हेमिसफेयर में यह आप कम दिखेंगे नाव एक क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू आपका इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है पास आउट होता है कमेंट करके मुझे बताइए एशिया के बारे में बात करते हैं अब एशिया जो है आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है मैक्सिम एरिया कवर करता है यानी वन थर्ड ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ को कवर करता है इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिसफेयर ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से पास करता है एंड एशिया सेपरेट होता है यूरोप से बाय उरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट एंड यूरोप प्लस एशिया इज़ यूरेशिया नेक्स्ट यूरोप की बात करूँ स्मॉलर देन एशिया लाइज वेस्ट टू एशिया आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट एंड इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन द थ्री साइड नॉर्थ अमेरिका की बयान नॉर्थ अमेरिका आपका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज नोन एज स्थमस ऑफ पनामा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं आपके विच लाइज टू द नदर्न एंड वेस्टर्न एमोस्फियर एंड तीन ओशन से सराउंडेड है आपको तीनों ओशन का नाम बताना है जैसे नॉर्थ अमेरिका सराउंडेड है कमेंट करके बताइए नेक्स्ट अफ्रीका की बात करते हैं सो so, मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था एक का कॉन्टिनेंट का आपको नाम बताना है जिससे तीनों जो है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर पास ऑन कर रहा है तो वो आपका कॉन्टिनेंट हो गया अफ्रीका ना अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया इक्वेटर्स इसके मिडल से जाता है अपार्ट फ्राम दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है एंड दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिससे तीनों पास होते हैं तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट वो आपका अफ्रीका में लोकेटेड है कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज अगेन आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से ओशन से सराउंडेड है जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल दैट फ्लोज थ्रू अफ्रीका साउथ अमेरिका की बात करते हैं लाइज इन सदरन एमोस्फेयर एंड दिस वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज

ओशंस एंड सीज इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है अब एशिया के लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से आइलैंड एंड सीज से ये सराउंडेड है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ सो एडमेंट हेलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो कि इंडिया का था दे व फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाइस्ट माउंटेन पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट ऑन 29th नाइन्थ में नाइनटीन एंड जिनको तबाई जापान से शी इज़ द फर्स्ट वूमेन टू रीच द समिट इन 1975 एंड द फर्स्ट इंडियन वूमेन वाज बजेंद्री पाल ठीक है नेक्स्ट एंटार्टिका की बात करते हैं एंटार्टिका आपका है सदरन हेमस्फेयर में ह्यूज कॉन्टिनेंट है साउथ पोल इसमें लाई करता है कम्प्लीटली दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट इज यूजअली पर्मांटली कवर्ड विथ आइस शीट यहाँ पे कोई आपको पर्मानेंट सेटलमेंट्स नहीं मिलेंगे एंड बहुत सारे कंट्रीज़ के रिसोर्ट स्टेशन हैं एंटार्टिका में इंडिया के भी दो रिसोर्ट स्टेशन हैं जिनका नाम मेत्री एंड दक्षिण गंगोत्री है सो so ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब आप इस फिगर में देखेंगे आ, ये एंसार्टिका फिगर है एक्जैक्टली सो इसमें आप देखेंगे एक स्ट्रेट है यूजली इंडिया और श्रीलंका को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज़ नोन एज पार्क स्ट्रेट ठीक है स्ट्रेट होता क्या है स्ट्रेट होता है एक नारो पैसेज जो आपके वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है इन ओशंस और सीज उसी तरह एक स्ट्रेस जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है जिसको एक नाम दिया गया है इस्थमस इस्थमस ऑफ पनामा हमने पढ़ा था अभी वो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है तो आपको नाम जरूर पता होना चाहिए नेक्स्ट हाइड्रोस्फेयर पर आते हैं आप ठीक है हाइड्रोस्फेयर की बात करूँ जैसे मैंने बोला मोर देन सेवेंटी वन परसेंट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड ट्वेंटी नाइन परसेंट आपका लैंड से कवर है नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ अर्थ्स वाटर इज बेसिकली इन द ओशन एंड इट इज़ वेरी सॉल्टी सिर्फ थ्री परसेंट आपका फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे फ्रेश वाटर आपको आइस शीट्स में मिल जाएंगे ग्लेशियर्स में मिल जाएंगे पॉइंट्स में मिल जाएंगे रिवर्स में मिल जाएंगे ठीक है जो कि ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल हैं ओशन वाटर दे आर ऑलवेज मूविंग एंड द थ्री चीफ मूवमेंट जो आपके ओशन वाटर में दिखते हैं दट इज़ वेव टाइट्स एंड ओशन करेंट्स तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वेव्स टाइट्स एंड ओशन करंट्स में क्या डिफरेंस होता है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर फाइव मेजर ओशनस जिनके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करेंगे सो पैसेफिक ओशन अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन सदर्न ओशन आर्टिक ओशन ये बिल्कुल इन ऑर्डर ऑफ साइज मैंने बताया आपको सबसे पहले बात करते हैं पैसेफिक ओशन की पैसेफिक ओशन आपका वन थर्ड ऑफ द अर्थ कवर करता है मरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट पॉइंट है जो मैंने अभी बताया था आपको ये आपका पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है और पैसिफिक ओशन आपका सर्कुलर इन शेप है तो प्लीज ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कुलर इन शेप ओशन कौन सा है ठीक है नेक्स्ट आपका आता है एटलांटिकेप्ड ओशन इज एस शेप्ड ओशन होता है इसकी कोस्ट लाइन जो है दैट इज हाईली इंटेंडेड दैट इज वाई इट इज वेरी सुटेबल फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वन ऑफ द वेरी बिजीएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड बात करते हैं इंडियन ओशन की तो इट इज़ द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री एंड ये आपका ट्राइंगुलर एंड शेप है कमिंग टू सदरन ओशन ये आपका एंटार्टिका को एनसर्कल करता है एंड एक्सटेंड टूवर्ड सिक्सटी डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड आर्टिक सर्कल की बात कर लेते हैं लोकेटेड इन आर्टिक सर्कल अराउंड द नॉर्थ पोल कनेक्ट्स विद पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शेलो वाटर विच इज नोन एज बेरिंग स्ट्रेट ठीक है तो अब तीन स्टेट हो गए इस्तेमा हो गया पार्क स्ट्रेट हो गया एंड बेरिंग स्ट्रेट हो गए नाम ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने सारे आपको ओशन दिखा दिए सदरन पैसिफिक इंडियन अटलांटिक आर्टिक ठीक है कहां कहां पर लोकेशन है वो मैंने आपको बता दें ठीक है अब बात करते हैं एटमोस्फेयर की ये फिगर आपको एनसीआरटी में दिख रहा होगा इसमें देखिए देर आर वेरियस जोन्स ऑफ एटमोस्फेयर ठीक है एयर हमेशा ध्यान रखिएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को मूव करती है एंड मूविंग एयर इज नोन एज विंड ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई ठीक है नेक्स्ट अब जैसे मैंने बोला एयर के डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्या क्या ये लेयर्स होते हैं और इसमें विथ फिगर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस लेयर में बेसिकली क्या फिनोमेना होता है बट एक एक करके हम बात करते हैं सबसे पहले एटमोस्फेयर है दैट इज़ समवेयर अराउंड सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर्स आपका हाइट में एक्सटेंड करता है पांच बेसिक लेयर्स में डिवाइडेड होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन आपका एटमोस्फेयर में सेवेंटी होता है ऑक्सीजन ट्वेंटी होता है एंड देर वेरियस अदर गैसेज जैसे सी ओ टू आगन एंड अदर विच आर लेस देन वन परसेंट बाई वॉल्यूम ठीक है जो डेंसिटी होती है एटमोसफेयर की वो विथ हाइट आपकी जो है वो वेरी करती है मैक्सिमम डेंसिटी आपकी सी लेवल पे होती है जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो डेंसिटी आपकी डिक्रीज होती है इसीलिए देखेंगे जब आप हाइट पे जाएंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है द रीज़न इज दिस क्योंकि डेंसिटी कम होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ठीक है अब इन लेयर्स के बारे में जैसे मैंने बोला कि लेयर्स के बारे में आपको आने वाले चैप्टर्स में डिटेल दिखेगा यहाँ पर सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन दिया गया था Uh, जो आपके लेयर्स के बारे में था अब बात करते हैं नए चैप्टर पे आ जाते हैं नया चैप्टर जो है दैट इज़ अबाउट मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ ठीक है मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करूँ अगर तो जो आपके फर्स्ट पेज में एन के दिया हुआ अगर आप लोग ने एन खोली हुई है तो फर्स्ट पेज में मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में बताया कि लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता क्यों दो खास वजह हैं इसके फर्स्ट इज देयर कि कॉन्टिन्यूस मूविंग मूवमेंट ऑफ अर्थ इज देयर जिसकी वजह से दो प्रोसेस होते हैं एक आपका इंटरनल प्रोसेस हो गया जिसकी वजह से अपलिफ्टमेंट हो गए और कोई जो है आपका लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है या तो आपके एक्सटर्नल प्रेशर होते हैं ठीक है अब आ, हिल क्या होता है देखिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इस तरह से दिए होते हैं आपके वो भी मैंने यहाँ कवर अप किया है हिल क्या होता है हिल होता है एक लैंड सरफेस विच एक्चुअली गेट्स हायर सराउंडिंग से अपने थोड़ा सा और हाइट पे आ जाता है उसको हम बोल देते हैं हिल ठीक है जो मोना किया है हवाए में इज़ इन द पैसिफिक ओशन इज़ एन अंडर सी माउंटेन इट इज़ हायर देन माउंट एवरेस्ट ऑल्सो सो ये भी आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के टाइम्स में एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछ लिया जाता है सो so मोना किया आपका हवाए में है पैसिफिक ओशन से और माउंट एवरेस्ट से बड़ा माउंटेन है ठीक है अब पहला मैंने बोला कि आपके लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं इंटरनल प्रोसेस की वजह से दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल प्रोसेस अब जो वेअरिंग अवे ऑफ अव सरफेस है दैट इज़ टर्म डरोशन और जो सरफेस बनता है रिबिल्ट होता है वो होता है डिपोजिशन की वजह से ठीक है यानी एक जगह से मटेरियल उठ रहा है और दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो रहा है तो जहाँ डिपॉजिट हो रहा है वहाँ पर एक नया लैंड बन रहा है उसको बोलते हैं रिबिल्ट होना यानी डिपॉजिट होना और जो सर्फेस जा रहा है वहां पे भी कुछ क्रिएट हो रहा है बट इट इज गोइंग अवे तो दैट इज टॉम्ड एज इरोवेशन अब माउंटेन की बात करते हैं माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑन द अर्थ सर्फेस अपने बाकी एरिया से वो ऊंचा उठता है दैट इज एलिवेशन आपका दे मे हैव स्मॉलर समिट और अ ब्रॉड बेस सम माउंटेन्स आर हायर दैन क्लाउड्स ऑल्सो इन सम माउंटेन्स कहीं पर आपको परमानेंटली फ्रोजन आइस ग्लेशियर्स मिलेंगे कुछ आपके अंडर सी माउंटेन्स होंगे बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन दिस माउंटेन एरियाज नेक्स्ट माउंटेंस में भी अरेंज इन अ लाइन अगर वो माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज है तो वो एक रेंज फॉर्म करते हैं जैसे आपके हिमालयाज़ एशिया में हो गए एल्प्स आपके यूरेशिया में हो गए एंड एंडेस आपके साउथ अमेरिका में होगा ये आपके माउंटेन रेंजेस के एग्जाम्पल हैं अब तीन टाइप के माउंटेन्स होते हैं एक आपका होता है फोल्ड माउंटेन ब्लॉक माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन जो इस लेवल पर एनसीआर में दिया हुआ है इससे और आगे डेप्थ में भी होता है बट फिलहाल आप इतना जानें अब जो फोल्ड माउंटेन होता है जो हिमालयाज़ हैं एल्प्स हैं ये आपके यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स हैं तो एग्जांपल्स जरूर याद करिएगा अरावली रेंज इंडिया में इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड अपलाचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड उराल माउंटेन्स इन रशिया ये दूसरे एग्जांपल्स हैं बट दे आर दे आर हैविंग लो एलीवेशन ठीक है नेक्स्ट तो जैसे मैंने बोला टाइप्स ऑफ माउंटेंस यहाँ पे एक और टाइप है रेसिडुअल टाइप मैंने आपको तीन टाइप बताए थे फोल्ड ब्लॉक बॉलकैनिक एंड रेसिडुअल इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लास सिक्स के एनसीआर को ही क्योंकि मैं फोकस कर रही हूँ तो फोल्ड मैंने डिस्कस कर लिया ब्लॉक और वॉलकैनिक की बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं जब वेन लार्ज एरियाज आर ब्लोकन एंड वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट होता है दो प्लेट्स यानी दो ब्लॉक्स आपने रखा एक ब्लॉक ऊपर उड़ गया एक ब्लॉक नीचे आ गया ठीक है तो उसकी वजह से जो क्रिएट होता है दैट इज योर ब्लॉक माउंटेन तो जो राइन वैली है एंड वॉक्स माउंटेन यूरोप में ये आपके ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल्स हैं वॉलकैनिक माउंटेन जैसे आपको नाम पता चल रहा है वॉलकैनो की वजह से जो आपका एक्टिविटी जो माउंटेन क्रिएट होता है दैट इज नोन एज वॉलकैनिक माउंटेन्स एंड माउंट किलो मंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान ये आपके वॉलकैनिक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं वहीं अगर मैं बात करूँ अब प्लेन्स की माउंटेन के बाद जो नेक्स्ट प्लान फॉर्म क्रिएट होता है दैट इज़ प्लेन्स प्लेन्स होते हैं स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स और रिवर टूटरीज़ के जो मटीरियल इरोड होके आते हैं इरोजन के थ्रू वो आपका प्लेन फॉर्म करते हैं ये एरिया बहुत फर्टाइल होता है बहुत थिकली पॉपुलेटेड होता है एग्रीकल्चर पर्पज से बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्टिव होता है एग्जाम्पल्स हैं आपका एशिया में गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन और चाइना में आपका यांगजी प्लेन ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है प्लैटोस। प्लैटोस क्या होता है एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड एग्जाम्पल हो गया आपका डेकन प्लैटो इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लैटो। ईस्ट अफ्रीका में आपका ईस्टर्न uh, अफ्रीका में प्लैटो केनिया तंजानिया में युगांडा एंड वेस्टर्न प्लैटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया तिब्बत प्लाटो जो है दैट इज द हाइएस्ट प्लाटो इन द वर्ल्ड विथ हाइट ठीक है हाइट के लेवल से वॉल में एडवांटेजेस क्या होते हैं प्लाटो में प्लाटो में आपका रिच मिनरल बहुत डिपॉजिट होता है जैसे अफ्रीकन प्लाटो जो है ये आपका गोल्ड माइन के लिए फेमस है इंडियन प्लाटो में आपका आयरन कोल मैंगनीज ये आपका छोटा नागपुर एरिया में होगा देर आर सेवरल वाटर फॉल्स ऑल्सो जो ग्रेट हाइट से इन प्लाटोज़ में आपको मिलेंगे जैसे इंडिया में आपका हिंद्रू फॉल्स हो गया छोटा नागपुर में सुबरनेखा हो गया जॉक फॉल्स हो गया कर्नाटका में तो ये जो एग्जाम्पल्स दें हाँ दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल्स आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि एन सी आर टी में भी ये बोल्ड फॉर्म में लिखे होते हैं प्लेटो में जो सॉइल होता है दैट इज़ ब्लैक सॉइल विच इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन ठीक है तो यूजली ब्लैक सॉयल में आपका कॉटन के क्रॉप्स ग्रो कराए जाते हैं अब आ जाते हैं आपके चैप्टर सेवन पे जो कि आपका है आर कंट्री इंडिया तो ये आपके लैंडफॉर्म्स में इतना इंपॉर्टेंट था ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अगर आपने एन सी आर तो आपको पता है मैंने बहुत लाइन बा लाइन्स एक्सप्लेन कर दिया है नहीं भी है तो दिस इज़ मोर देन सफिशेंट पूरी एन का ये ब्लू है ऑलरेडी ठीक है अब बात करते हैं इंडिया के बारे में एक बेसिक जो यहाँ पर बताया गया है इंडिया के बारे में वो ये है कि एरिया जो है इंडिया का दैट इज़ समवेयर अराउंड थ्री मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है आपका वो है कश्मीर से कन्याकुमारी इज समवेर अराउंड थर्टी टू हंड्रेड किलोमीटर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंथ आपका अरुणाचल प्रदेश से कच्च तक है विच इज ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर्स और इंडिया इज अ पेनिसुला पेनंसुला इसलिए क्योंकि पीस ऑफ वाटर विच इज सराउंडेड बाई वॉटर फ्राम थ्री पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाई वॉटर ऑन थ्री साइड्स प्रेजेंटली ट्वेंटी नाइन स्टेट सेवन यूनियन टेरेटरीज आपके पुराने इनसे आर्टेज में होगा बट अभी रिसेंटली इट हैज़ बिन चेंजड आपके ट्वेंटी एट स्टेट्स हो गए जम्मू एंड कश्मीर अभी आपने देखा वो डिवाइड हो गया ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आपके नए यूनियन टेरेटेज बन गए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने यूनियन टेरेटरीज हैं विद देर कैपिटल्स आप मुझे बताइए अभी ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इंडिया आपका नदरन हेमिसफेयर में लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री

अब बात करते हैं हिमालयस की हिमालय बेसिकली इज अ बोर्ड ऑफ स्नो यानी आइस का घर अबोर्ड मीन्स घर इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पैरल रेंजेस तीन रेंजेस में डिवाइडेड है एक आपका नदरन मोस्ट यानी ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हो गया जिसमें आपका हाइएस्ट पीक्स आते हैं एक आपका मिडिल हिमालय हो गया बिच इज़ हिमाचल प्रदेश या साउथ ऑफ़ हिमाद्री में इसमें आपके हिल स्टेशन आते हैं जितने भी पॉपुलर हिल स्टेशन हैं लास्ट में आता है सदर्न मोस्ट में शिवालिक रेंज ठीक है तो ये आप देखेंगे ये आपका इंडिया का मैप है इसमें आपको नेबरिंग कंट्रीज़ मिलेंगी करेंटली आप मुझे इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं विद देयर कैपिटल कमेंट करके बताइए फटाफट कि कितने नेबरिंग कंट्रीज़ और कैपिटल हैं आपकी नॉलेज और रिविजन साथ साथ होता रहेगा अब बात करते हैं नदरन इंडिया प्लेन्स की जो आपके साउथ ऑफ़ हिमालयाज़ में होते हैं ये जैसे मैंने बताया रिवर्स एंड अलूवल डिपॉजिट से बनते हैं इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र ये फेमस प्लेन्स हैं जो इनके ट्रिब्यूटरीज से बनते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट पेनिनसुला प्लाटो ये आपके दो पार्ट्स में है एक आपका डेकिन प्लाटो है दूसरा आपका मालवा है तो अगर मैं मालवा की बात करूँ तो ये आपके साउथ ऑफ नदरन प्लेज में होते हैं ट्राइंगर शेप होते हैं हाईली अन ईवन होते हैं इनमें न्यूमरस वैलीज़ आपको मिलेंगी अरावरी हिल्स विंध्या सतपुरा ये आपके इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं इसमें ताप्ती एंड रिवर इस रेंजेस में आपको रिवर्स मिलेंगी नाउ ताप्ती एंड रिवर आर द ओनली रिवर्स जो आपकी ड्रेन होती हैं अरेबियन सी में बाकी सारी जो है साउथ की रिवर्स वो आपकी बे बेंग ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है डेकन प्लाटो की बात करते हैं डेकन प्लाटो आपका वेस्टर्न घाट्स या सेहद्रीज हो गया जो बॉर्डर करता है प्लाटो इन द वेस्ट को एंड वेस्टर्न घाट्स आपके कॉन्टिन्यूस हैं ईस्टर्न घाट्स आपके ब्रोकन एंड अन इवन है इसीलिए जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है दे आर वेरी नैरो एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इन बे ऑफ बंगाल ठीक है अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे डू यू नो का दैट गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आदि का जो डेल्टा बनता है सुंदरबन दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा डेल्टा और उसमें आपकी रामसार साइट्स हैं तो कितनी करंटली रामसार साइट्स हैं वो आप मुझे बता दीजिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है अब एक और इम्पॉर्टेंट एन में आपने देखा होगा इस तरह का एक डायग्राम है जो फिज़िकल डिवीजन को दिखा रहा है इंडिया के और ये जो हमने मैप का एग्जाम्पल डिस्कस किया था रिलीफ मैप का वो उसका भी ये एक एग्जाम्पल है कोरल्स और पॉलिप्स दो टर्म्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो कोरल्स बेसिकली क्या होते हैं टाइनी स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स होते हैं जिन्हें वी कॉल इट पॉलिप्स ठीक है वैन द लिविंग पॉलिप्स डाई उनके स्केलेटन वहीं पर रह जाते हैं एंड दे गिव राइस टू फॉर्मेशन ऑफ कोरल आइलैंड तो इंडिया में कोरल आइलैंड कौन सा है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है लास्ट आते हैं आपके चैप्टर एट पे ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं फिलहाल क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे दिया हुआ है लास्ट चैप्टर एट पे आते हैं चैप्टर एट के बारे में वो डिस्कस करेंगे चैप्टर एट में आपके बेसिकली सीजन के बारे में बात की है क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक बेसिक समरी तो कोल्ड वेदर सीजन होता है आपका दिसंबर टू फेबररी में हॉट वेदर सीजन होता है मार्च टू मे में साउथ वेस्ट मानसून आपका जून टू सेप्टेम्बर एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून आपका अक्टूबर एंड नवंबर में होता है नव क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करें तो इट हैज बिन डिस्क्राइबड ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉड बाई दीज मॉनसून विंड इंडिया का क्लाइमेट इज इफेक्टेड बाय का is by, few factors. Factors आपके लोकेशन एल्टीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द सी रिलीफ नेचुरल वेजिटेशन की बात करें सो ग्रासेस शर्ब्स ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट एनी इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स एंड डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन अमंग विच अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके नेचुरल वेजिटेशन के डेफिनेशन हो गए इंडिया में पाँच टाइप की वेजिटेशन हैं कौन कौन सी आपकी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो ट्रॉपिकल डेसीजीज फॉरेस्ट थॉर्नी बुशेज माउंटेन वेजिटेशन एंड मानग्रोव फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं ये दीज आर द फॉरेस्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैवी रेनफॉल हाइली डेंस होती हैं सनलाइट इसमें ग्राउंड uh, तक नहीं पहुंच पाते हैं मैनी ऑफ दीज ट्रीज जो हैं दे शेड द लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स इन द ईयर यूजली इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं और यही ट्रीज़ जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेनफॉल कराने के लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है क्योंकि एट टाइम्स मैचिंग क्वेश्चन आ जाता है uh, आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के डेसीडियस फॉरेस्ट के मैनग्रोव के या माउंटेन फॉरेस्ट के वो आपके मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछा जाता है सो महोगनी, इबोनी एंड रोजबुड एग्जाम्पल हो गए यूजअली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है लोकेशन ये भी आपको पता होना चाहिए ये भी क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछा गया है सो अंदमान निकोबार पार्टस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नैरोप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स ये इन जगहों पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे ट्रॉपिकल डिस फॉरेस्ट इज मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है लेस डेंस होते हैं दे शेड दे लीव्स एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर एंड देस आर इम्पॉर्टेंट जो इनमें ट्रीज होते हैं दे आर सैल टीक पीपल नीम एंड शीशम द फाउंड इन एम पी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र थॉर्नी बुशे थॉर्नी बुशज दे आर ड्राई ठीक है बुशे ऐ ड्राई लीव्स इन फॉर्म ऑफ स्माइंस स्पाइन के फॉर्म में हो जाती है तो जो आपके बेसिकली डेजर्ट्स में जो आप देखेंगे कैक्टस खेर बबूल कीकर इनके जो पत्ते देखेंगे नोकीले कांटेदार होते हैं वाई ताकि जो है इनका वाटर का लॉस ना हो क्योंकि ऑलरेडी ड्राई एरिया में है सो एरियाज ऑफ राजस्थान पंजाब हरियाणा ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात में ये आपको मिलेंगे माउंटेन वेजिटेशन क्या होता है वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज इज़ फाउंड इन द माउंटेन एरिया अकॉर्डिंग टू द हाइट जैसे मैंने बोला कि हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि टेम्परेचर जो है वो वहाँ पर आपका डिक्रीज होता है सो so, जो हाइट uh,

नेपड ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है ऑलरेडी इसमें मैंने जो मेन वर्जन जो एन सी आर टी में हाईलाइटेड है वहीं मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी हाईलाइट करने की कोशिश की है लास्टली uh, जो लास्ट पेज आपका एन सी आर टी एंड ऑफ दिस कंप्लीट क्लास सिक्सथ जो एन सी आर टी जोग्राफी है उसमें मैं आपको बता दूँ पी काक इज़ आर नेशनल बर्ड टाइगर इज आर नेशनल एनिमल गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस एलिफेंट एंड वन हॉर्न डाइनोसोरॉज आर बेसली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अ एलिफेंट्स आर फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका ऑल्सो Camels and wild lasses are found in great Indian deserts and run of Kutch, wild goats, snow, leopards, beer, etc are found in Himalayan region. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर फ्यू माइग्रेटरी बर्ड्स ऑल्सो अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करती हैं उस टाइम के लिए जिस टाइम के लिए कंडीशन उनके लिए फेवरेबल नहीं है मान लो बाहर से कोई बर्ड्स इंडिया में आई ठंड में क्योंकि बाहर उसके लिए टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है वो यहाँ पर इंडिया में कुछ टाइम रहेगी फिर जैसे ही टाइम स्पैन कंप्लीट हो जाएगा वो वापस चल जाएगी तो इनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स लास्ट तो आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एनसीईआरटी में दी गई है वो है कि चेरापुंजीन मेघालय जो थी वो आपकी वेटेस्ट प्लेस हुआ करती थी बट नाउ द प्लेस हैज़ बीन चेंज इट इज़ बीन मोसन तो अगर आपसे अब क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है तो इट इज़ नॉट चेरापुंजी नाउ इट इज़ योर मोसिनरा सो यहाँ पे आपका क्लास सिक्स एन जो है वो कंप्लीट होता है जोग्राफी का इसी तरह दिल भी सेमिनर जो जो मैं बनाऊंगी आगे नेक्स्ट सेवन्थ एथ नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में कवर करने की कोशिश करूंगी आपको सीरीज ऑफ वीडियोज़ मिलते रहेंगे साथ ही हिस्ट्री और पॉलिटी इकोनॉमी भी मैं कवर करने वाली हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूं तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी कमेंट करके मुझे बताते रहिए एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें तो यू इन ने द नेक्स्ट सेशन टिल देन जय हिंद